मध्य प्रदेश में राजस्व मामलों के निराकरण के लिए 18 जुलाई से 31 अगस्त तक राजस्व महाअभियान 2.0 आयोजित किया गया था, जिसमें नामांतरण और बंटवारा जैसे कई मामले निपटाए गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताई और प्रदेश की जनता को बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जनसेवा का संकल्प और जन जन की समस्याओं के निराकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश के नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर चलाया गया राजस्व महाअभियान कारगर सिद्ध हुआ है। जमीन के नामांतरण प्रक्रिया सुगम बनाने के उद्देश्य के साथ प्रदेश में चलाए गए दोनों राजस्व महाअभियानों में अब तक 80 लाख राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है। उन्होंने कहा हम जल्दी ही राजस्व महाअभियान 3 भी शुरू करेंगे। नामांतरण को लेकर के आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए पूरे देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने रजिस्ट्रीकरण के साथ तुरंत नामांतरण करने की एक प्रक्रिया स्थापित की, जिसके कारण से पटवारी के पास अलग से आवेदन करना, उनको तारीख लगाना, न्यायालय तक जाना, राजस्व न्यायालय तक जाना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसमें सीधे सीधे नई तकनीक के आधार पर रजिस्ट्रीकरण के साथ ही पंजीकरण का एक सिस्टम हमने पहले प्रारंभ किया। ये 20-31 अगस्त तक लगभग राजस्व अभियान 2 के माध्यम से नामांतरण के 271,626, बंटवारा के 27,000, अभिलेख दुरुस्तीकरण के 26,784, नक्शा तरतीम के 45,88,918, लगभग 50 लाख के आसपास के प्रकरणों का निराकरण मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।